कमलेश्वर भाई हमें कहा रहे कांग्रेस पार्टी के खाता सील है। अरे कांग्रेस पार्टी की खाता सील है, हमारा अपना के खाता तो सील नहीं है ना। सही कांग्रेस पार्टी के खाता ना पटेल जी खाता सील है, ना उनसे ज्यादा पैसा प्रीति भाभी के पास है उनका खाता सील है, ना भारत सिंह के सील है, ना चिंतामन तिवारी जी के सील है, और ज्ञान सिंह जी की बिल्कुल सील नहीं है। संसाधन के कौनों कमी नहीं है। यदि अपना अपने पोलिंग की जवाबदारी ले ले तो कौनों साधन की जरूरत नहीं है। राहुल भैया 2006 में जब लोकसभा के उपचुनाव आ रहा था तो पटेल जी हम दो इंजीनियर हैं, दाऊद साहबों की तबीयत ठीक नहीं रहने आए, 27 थे मंत्री हम रहे, मुख्यमंत्री नए नए बने रहे शिवराज सिंह जी, ओम अपन पूरी ताकत लगाए रहे, पता नहीं कितनी हेलीकॉप्टर के सवाब है, 70 के ऊपर बैठे। आखिरी में पटेल जी हमसे कहे भैया हम बच्चे एक चीज में चूक रहे हैं, हम कनकाए में कहीं कहां ना इंतजाम हो जाए कि हेलीकॉप्टर का। तो चुनाव के 4 रोज पहले हम सोनिया गांधी जी के जो काम देखत रहे वो समय जिंदा नहीं आए। अहमद पटेल जी से गुजारिश की है कि भाई साहब एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर दे दीजिए कहीं से, हम दो प्राणी घूम लें कहीं पर, कहीं हम दे देंगे, पर जवाबदारी आपकी है कि चुनाव हमें चाहिए। सोनिया जी ने कहा है कि चुनाव हम जीत के चाहिए। तो पटेल जी हम दोनों जने कहें कि भाई जवाबदारी है चला, पर अपना के ऊपर वो जवाबदारी सीधी जिला के मतदाता समझे कि अन्याय के चुनाव तो न्याय के साथ मानिक सिंह का चुनाव जिताए। हमारे बहन तारा बैठ पूरे मध्य प्रदेश में तिवारी कांग्रेस दाऊ साहब के चुनाव हरा, एक सांसद भय रहे तिवारी कांग्रेस की, वह सीधी जिला से वह सम्मान कितने याद है कि नहीं। तिलक राज सिंह जी अकेले तिवारी कांग्रेस के सांसद भय रहे मध्य प्रदेश से, उपचुनाव में पूर्ण ताकत लगाए तो मानिक सिंह जी का अपना जिताए। अब आते ये बेटवा खड़ा है तो साहब तकलीफ दे अपना बन के। सवाल यह नहीं आया कि हमारे पास गाड़ी है कि नहीं है। कमलेश्वर भाई हमें कहा रहे कांग्रेस पार्टी के खाता सील है, अरे कांग्रेस पार्टी की खाता सील है, हमारा अपना के खाता तो सील नहीं है ना। सही कांग्रेस पार्टी के खाता ना पटेल जी खाता सील है, ना उनसे ज्यादा पैसा प्रीति भाभी के पास है उनका खाता सील है, ना भारत सिंह के सील है, ना चिंतामन तिवारी जी के सील है, और ज्ञान सिंह जी की बिल्कुल सील नहीं है। हम सब जने के जब खाता खुला है तो अपने खाता से एक हर जौन हैसियत हो, चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, अपने अपने पोलिंग में जवाबदारी ले ले तो डंके के चोट पर सीधी ना पड़े। हाँ सिंगरौली वाले का नाम छूट सीधी सिंगरौली सब एक आए भाई, वह मानिक सिंह का लड़के हम पंजन के तो हिस्सा कर दी रहा। अच्छा खाता का देखिए समय के खाता की बात हो रही, एक दो आदमी की बात ना हो। आज के समय में हम अपना एक छोटे उदाहरण से बतावे चाहे थे कि कौन विचारधारा के चुनाव है। आप पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल
एक मामला में जेल भेज दी। हिंदुस्तान के इतिहास को कबू नहीं हुआ कि कोनो मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामला में जब अहिनो मुख्यमंत्री उनका जेल भेज दी। काहे काहे कि घुटना नहीं टेके। दूसर ओके विपरीत का उदाहरण है महाराष्ट्र में इतने 27,000 करोड़ के घोटाला करे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भाषण दिन के ऐसे भ्रष्टाचारी को माफ नहीं करें। तीसर रोज वह भ्रष्टाचारी से सदस्यता ले लेते भाजपा पार्टी के आज उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। उनके पास पता नहीं कौन वॉशिंग मशीन थी। कौनो भ्रष्टाचारी हो कितनो बड़ा हो कितनो बड़ा भ्रष्टाचार करे हो भाजपा के दामन थाम ले तो तीनों पाल से सफेद चुक चकाचक निकल गया। बहुत सारे लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान का भूल यही भाई जौन संविधान का हम पंची आज जाने थे जौन अधिकार के साथ एक गरीब आदमी यहां पर बात कह सकता जौन संविधान में गरीब हरिजन आदिवासी भाई दोहाई देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के यो बनाए। यदि अब दफे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन जाए गलती से तो वह संविधान भूल जाए हिंदुस्तान के नक्शा बदल दी थी। ये वैचारिक लड़ाई है। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बोले थे बहुत लोग समझते हैं लेकिन कहां बात आवक नहीं आए। कहे कि मीडिया वाले जो है ये सब जिन्हें बंधुआ मजदूर हो गए हैं बढ़ गए के जौन इनका लागी छोट मोट दिखाई नहीं बाकी में दिखो का करें ये दिखावो चाहत हो तो इनका मालिक जेल में चले जी। सही है कि ना बोला हार 50,000 महीना के बेहतर माल हो तो अपना सबसे एक प्रार्थना है यह वैचारिक मतभेद लड़ाई कि हम ही अपना का सामना अपने अपने स्तर का। बहुत सारी बातें इनके साथ जुड़ी हैं। का उदाहरण दे आज अल्पसंख्यक भाई पूरे हिंदुस्तान में घबरा चाहे वो मुसलमान भाई हों चाहे क्रिश्चियन भाई हों सब पर डर बढ़ रहा है कि हमसे थोड़ो गलती हो जाए तब सीधे जेल चल जाए। कोई सब हिंदुस्तान में 2014 के पहले कुछ रहा है नहीं भाखरा नंगला 2014 के बाद है बना। चंद्रायन में कौनों पहुंचे हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से पहुंचे पहले नहीं रहा। यदि कौनों इंजीनियर वहा है आईआईटी आईआईएम है वह 2014 के बाद स्थापित हुआ पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के विकास हुआ ओके पहले तो हम बच्चे उसने नंगा घूमत यह आए मीडिया के आज प्रभाव। जौन संस्था भारतीय जनता पार्टी का चलावट है वह संस्था का को बंद की रहा हिंदुस्तान में वल्लभ भाई पटेल कई आतंकी संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी गांधी भाई वल्लभ भाई पटेल कुछ दिन में बस चली तो गांधी जी को ले ले ही नेहरू जी को ले ले ही हम बच्चों इसमें बैठ गए। यह एक षड्यंत्र है हिंदुस्तान के साथ और यह षड्यंत्र का हम पंचे अच्छी तरह से समझे हंसी मजाक ना हो यह चुनाव साधारण ना हो। यह चुनाव में गलती भय तो आप देश
जेकर आजादी की लड़ाई लड़े कांग्रेस पार्टी के लोग, पूजनीय बापू जी और कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वह देश फिर वह देश न रहे। कौनो एक आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी के जे आजादी की लड़ाई में नाम रहा हो, एक आदमी के नाम भाजपा वाले बता। वीर सावरकर जी के नाम ले थे, वो तो माफीनामा चिट्ठी लिखा था। अंग्रेजन के साथ दे वाले लोग आज अपन देश के राज कर रहे हैं, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य। कमलेश्वर भाई की लड़ाई कैसे है उनके बारे में हम कुछ न कहा। बाबा रूप प्रताप सिंह जी ज्यादा जाना थे कि कहा आए, क्यों आए, केकर इंजेक्शन लगाए, कहा नहीं। और इतना जाने थे कि मोरे छेद के आई आए ना, कबूरी के आई जे पार्टी से त्याग पत्र दी तो विधानसभा चुनाव उनका कौने आधार पर टिकट मिला, यह ज्ञान सिंह जी समझा सकते हम नहीं। लेकिन हम ही दोनों पार्टी के उम्मीदवार से मतलब नहीं है, हम ही तो अपने पार्टी के अपना सबसे मतलब कमर कस ले। आज 26 तारीख है, चार पांच रोज या महीना के 18 रोज अगले महीना 22 दिन एक तरह से चुनाव है। प्रथम चरण में हम पंचे फंसे हैं। यदि अपना हराम मिलकर आपन आपन पोलिंग की जवाबदारी ले ले तो कौनो ताकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम सब आपस में केहू के कहू से बोट मुटपुटा हो, कौ टिकट पावे को नहीं पाए, सा किस का नहीं किस, वह सब चीज हम बच्चे ठंडे बस्ता में डाल दें। 22 रोज सिर्फ एक संकल्प रहा है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे बीच में कैसा चुनाव जीते, यह दिन रात बात हो। आज के बाद कौनो चौराहा में, कौनो गुमती में, कौनो ठेला के सामने यह न सुना चाहिए कि हम कमजोर हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, यह बात हो। और यदि अपना कहते हैं कि चुनाव जीत रहे हैं तो काट काट अपना चुनाव जीत जाए, यह अपना से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।